नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी का फरमान, मुंबई में होली सार्वजनिक और प्राइवेट जगहों पर मनाने पर रोक। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक स्थानों और प्राइवेट जगहों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। गाइडलाइंस के अनुसार जब नए केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो नज़र रखी जाए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उसके संपर्कों का पता लगाकर क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देने के लिए कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना लगाया जाए। हालांकि इसमें साफ कर दिया गया है कि दूसरे राज्यों में जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती शुरू हो गई है। महामारी रोकना बड़ा चैलेंज है, लिहाजा सख्ती दोबारा अमल में शुरू हो गई है ताकि हालात काबू में के लिए जा सके। सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के हैं। वैसे तो कल जारी हुए आंकड़े थोड़ा सुकून देने वाले हैं, क्योंकि 21 मार्च को 30,000 से भी ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। कल एक दिन का आंकड़ा 24,600 रहा, वही 58 लोगों की जान गंवाई। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि 58 में से 40 मौत की संख्या नागपुर में दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25,04,000 से भी ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में महामारी से 58 और लोगों की मौत के साथ मृत्युओं की कुल संख्या बढ़कर 53,400 हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,260 केस आए हैं। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक और औरंगाबाद जिलों में कोरोना के केसेस बड़ी संख्या में से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नागपुर के हालात को गंभीर बताया और कहा कि सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है।